नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे इशू की बात कर रहे हैं जो थोड़ा सेंसिटिव है। सेंसिटिव इसलिए कि जनरली लोग इस पे साफ साफ बात नहीं करना चाहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मुनव्वर राना साहब, जो बड़े शायर हैं, और अभी उन्होंने एक फ्रांस में जो कुछ हुआ था उसको लेके एक बयान दे दिया था जिसमें बड़ी अफरा तफरी मची थी। उन्होंने फिर कल एक बयान दिया है और उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को कहा है कि ये मॉडर्न जिन्ना है और नए जिन्ना इन मेकिंग है। हिंदुस्तान में जिन्ना को जल्दी बोला जब जाता है तो जिन्ना को ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ही देश का विभाजन कराया था। अभी मैंने चूंकि जिन्ना पे एक प्रोफेसर इश्तियाक की किताब पढ़ी है, उसके अलावा भी जिन्ना पे लिटरेचर है, अवेलेबल है, उस पर एक इंटरव्यू भी कर चुका हूँ। उसका एक भाग पिछले सैटरडे को था, एक भाग कल फिर होगा। तो जिन्ना एक तरह से हिंदुस्तान में गाली है। तो अब राणा साहब, मनोहर राणा साहब ने इसको जो भी कह के उन्होंने इस बात का एक बड़ी डिबेट शुरू कर दी है। मैं जरा इस पे आने से पहले ये थोड़ा बता दूं कि उनकी पार्टी और ओवैसी साहब हैं क्या। ऐसा है कि जब देश की आजादी की अभी बात हो रही थी तो उस समय 12 नवंबर 1927 में हैदराबाद में MIM की स्थापना हुई, मजलिसे इतहदुल मुसलमी। तो MIM इस तरह से वजूद में आया 12 नवंबर 1927 में, मतलब कल ही उसकी वर्षगांठ थी। करीब करीब 93 साल हो गए हैं इस पार्टी को वजूद में आए, पुरानी पार्टी है। और इसका जो उस समय, मैं उस समय की बात इसलिए आपको बेसिक हिस्ट्री बता रहा हूं कि समझ में आ जाए, उस समय इसका भी वही बात थी जो मुस्लिम लीग कहती थी। वो कहते ये थे कि मुस्लिम डोमिनियन की बात करते थे लेकिन इंटीग्रेशन इनटू द इंडियन स्टेट की बात नहीं करते थे। और ये भी जान लीजिए कि हैदराबाद एक प्रिंसली स्टेट था जो सीधे ब्रिटिश उसको गवर्न करते थे, तो वो लार्जर जो इंडिया की हम लोग बात करते हैं ना, ब्रिटिश इंडिया की, वो इसका पार्ट नहीं था। आप सबको पता है कि कैसे वो उसका इंटीग्रेशन हुआ, कैसे सरदार पटेल का रूल हुआ, कैसे कैसे हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ कि 1944 में इसके प्रेसिडेंट बने कासिम रिजवी MIM के, और ये मूल रूप से हैदराबाद बेस्ड पार्टी थी, उस समय भी थी, आज भी है। और ये कासिम रिजवी साहब वही थे जिन्होंने रजाकार थे, जिन्होंने, अगर आपको याद हो, निजाम की एक तरह से एक पर्सनल मिलिट्री थी, जो वो करती थी, प्रोटेक्ट करती थी, और जो एक अलगाववादी बात थी हिंदुस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इन रजाकार ने हिंदुस्तान के साथ हैदराबाद के विलय का विरोध किया था। और ये सारे लोग उस समय चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ इनका विलय हो जाए, और वो कुछ इस तरह की बात करते थे कि वो पंजाब सिंध वाला वेस्ट पाकिस्तान हो गया, बंगाल के दो डिवीजन होके वो ईस्ट पाकिस्तान हो गया, और इसको साउथ पाकिस्तान कह दिया जाए। कुछ इस तरह की बातचीत से MIM की उस समय बात होती थी। फिर देश आजाद हो गया, हैदराबाद का विलय हिंदुस्तान में हो गया, इंडिया का पार्ट एंड पार्सल हो गया। 1948 में MIM को बैन कर दिया गया और उनके जो लीडर कासिम रिजवी साहब थे वो जेल भेज दिए गए। 1957 को कासिम रिजवी साहब को जेल से छोड़ा गया इस शर्त के साथ कि वो पाकिस्तान चले जाएंगे। तो पाकिस्तान ने उनको स्वीकार भी कर लिया और उसके बाद वो यहां से पाकिस्तान चले गए। लेकिन जाने से पहले कासिम रिजवी साहब ने वो जो MIM जो भी बचा कुचा था, उसका जो भी था, उसकी बागडोर अब्दुल वहीद ओवैसी साहब को कर दी, जो असदुद्दीन ओवैसी साहब के बाबा थे, वो बड़े लॉयर थे। उन्होंने फिर MIM से उसको AIMM, ऑल इंडिया नाम देके AIMM बना दिया। वो इस पॉलिटिक्स को करते रहे, उनका मूल जो स्ट्रेंथ थी वो हैदराबाद थी। 1976 में उनके इंतकाल के बाद उनके लड़के सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी, अपने असदुद्दीन ओवैसी साहब के पिता, ये 1976 में इसके अध्यक्ष बन गए। और चूंकि ये सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब ने बहुत काम किया था, तो इनको सालारे मिल्लत, मतलब कमांडर ऑफ दैट सेक्ट भी बोला जाने लगा। और इनका भी एक ये मानना था कि जब देश का बंटवारा हो गया तो जो देश में मुसलमान रह गए थे उनका कोई पुरसा हाल लेने वाला, उनसे उनका कोई देखभाल करने वाला बहुत नहीं, ये उनका व्यू था। और उसके बाद वो पॉलिटिक्स में आ गए। उन्होंने वो पहले MLA रहे
और फिर 1984 से लगातार 6 बार एमपी रहे हैदराबाद से, और फिर 2004 से जब उन्होंने इससे रिटायरमेंट ले लिया, उनके लड़के जो अब हम और आप जिनको ओवैसी के रूप में जानते हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ के अब एमपी हो गए हैं, पिछले 4 बार से वो भी लगातार एमपी हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो इस समय प्रेसिडेंट हैं एआईएमएम के, उनके 3 भाई हैं, उनसे जो एक छोटे वाले भाई हैं अकरमुद्दीन ओवैसी साहब, उनको आपने देखा होगा मतलब कुछ अजीब इस तरह के भाषण, जिसको देख के एक नॉर्मल ढंग से किसी भी तरह से वो सेकुलर भाषण नहीं लगता है, और वो एक एक रिलीजन विशेष को, धर्म विशेष के लोगों के बारे में से को एड्रेस करते हैं, दूसरे धर्म को गाली देते हैं, जो अब बहुत कॉमन हो गया है वोट के लिए। लेकिन ये जो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, ये पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे का मतलब यह है कि बैरिस्टर हैं, लंदन के लिंकन इन से, मतलब ये जब इनकी बात अगर आप करिए तो आज तक इनकी बात में कहीं पे भी आप इनको एंटी नेशनल बात करते हुए या एंटी हिंदू बात करते हुए आप इनको नहीं पकड़ सकते, वो इनके छोटे भाई का वो सब काम है। कुछ लोगों का कहना यह है कि ये मिली भगत है जानबूझ करके, वो जो एक बोला नहीं आता गुड कॉप बैड कॉप, कि अकरमुद्दीन के साहब के जिम्मे यह है कि तुम एक धर्म को गाली दो, इनके जिम्मे यह है कि मैं एक इस तरह का रखूंगा भाई मैं सब लोग आपको साथ चलो, ये जानबूझ करके। लेकिन इसमें आने से पहले एक चीज और आपको बता दूं, जो इनके वालिद साहब थे सलाउद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने ने जो पॉलिटिकल काम किया ही किया, साथ में उन्होंने एजुकेशन में बहुत काम किया, और इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, फार्मेसी फार्मासिस्ट का कॉलेज, एमबीए नर्सिंग के कॉलेजेस, पैरा मेडिकल का कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस, ये सारा कुछ किया, आईटीआईज। उसके बाद अभी जो ये ओवैसी परिवार है, इनके कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इनके 2 अस्पताल हैं, इनका उर्दू का न्यूज़पेपर है, कुछ लोग कहते हैं कि करीब करीब 15,000 करोड़ का इनका वो है। अब इसका एक अर्थ और समझ लीजिए कि लोग इसको कुछ कहें, एक तो इन्होंने इसको बनाया है, इसमें कहीं से भी, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर अभी तक मैं उनकी बहुत सी चीज़ों को मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, और उसका एक शायद बड़ा कारण यह है कि उनको किसी भी तरह के पैसे की इस तरह की दरियाफ्त नहीं है कि भाई उनसे कह देंगे तो ये मिल जाएगा, या वहां से फंडिंग हो जाएगी, या फॉरेन फंडिंग हो जाएगी, या जो इस्लाम की बात करेंगे तो उस तरह, इस तरह की मेरे ख्याल में उनको कहीं से भी कोई प्रेशर उनके ऊपर नहीं है, तो वो थोड़ा आराम से मैं ऐसे अपनी पॉलिटिक्स करते हैं। मैं एक चलते चलते जल्दी से असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में एक बात और बता दूं कि वो एक्सलेंट क्रिकेटर भी हैं, उन्होंने साउथ जोन को रिप्रेजेंट किया, फास्ट बॉलर थे, मतलब मैं खिलाड़ी होने से कोई भी अगर किसी भी क्षेत्र में जाता है, अगर कोई मूल रूप से खिलाड़ी है तो बहुत सी चीजें ठीक रहती हैं, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एक तो उसके पास रहेगी, उसके पास वो किलर इंस्टिंक्ट रहेगी कि कैसे जीता जाए वो किया जाए, लेकिन एक बेसिक मिनिमम नैतिकता या ये सब इन लोगों के पास, किसी भी स्पोर्ट्समैन के पास रहता है। अब जरा बात कर लें कि ये आज की तारीख में ये मुसलमानों के स्पोक्स पर्सन या मुस्लिम पार्टी के वो हो गए, मुसलमानों का जरा हाल समझ लीजिए क्या है। देश में मोटे तौर पे कहा जाता है कि करीब 15% की पॉपुलेशन मुसलमान है, वो 19-20 करोड़ कुछ लोग कहते हैं, कोई 19-20-21 करोड़ मुसलमान है, वो करीब करीब 15% की है। अब 15% अगर मुसलमान है तो गणित बिल्कुल सीधे, मैंने पहले भी इसको किया हुआ है, 545 में अगर आप 15% के हिसाब से चल रहे हैं, मतलब एक हम बहुत जनरल गणित की बात कर रहे हैं, तो कितने होने चाहिए, करीब करीब 80, मोटे तौर पे आपके 80 MPs रिप्रेजेंटेशन के तौर पे देखें तो लोकसभा में होने चाहिए। आज तक जो मैक्सिमम MPs मुस्लिम के रहे हैं वो 49 रहे हैं सन 80 में, जो पहले जब पहली लोकसभा जब बनी 1952 में तो केवल 11 थे, फिर वो मैक्सिमम 80 में 49 हुए, 2004 में 30, 9 में 34, 14 में 23, और अभी जो लोकसभा हुई है 2019 वाली इसमें 27 हैं। ये 27 भी जल्दी से इनका डिस्ट्रीब्यूशन बता दूं, यूपी और वेस्ट बंगाल से 6-6 हैं, केरल और जम्मू कश्मीर से 3-3 हैं, असम और बिहार से 2 हैं, और पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और तेलंगाना से 1-1 हैं। इसमें भी पार्टी वाइज अगर देखें तो तृणमूल कांग्रेस से सबसे ज्यादा 5, फिर कांग्रेस से 4, सपा, बसपा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, IUML जो केरल वाली है, इनसे 3-3 है। बीजेपी ने 2019 में
छह मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया था लेकिन उसमें से कोई भी नहीं जीता। ये जब मैं आपको बता रहा हूं तो साथ में एक फिगर और इंटरेस्टिंग आपको बता दूं जो आपको क्योंकि फिर चीजें बहुत सी चीजें आसान लगेंगे। इस समय जो बैकवर्ड जो वोट है वो भी एक माना जा रहा है, एक अपर कास्ट, एक बैकवर्ड कास्ट, एक माइनॉरिटी, इस तरह से वोटों को डिस्प्यूट किया ना, एक दलित वोट, इस तरह से चार पांच कैटेगरीज हैं हिंदुस्तान में। तो बैकवर्ड कास्ट में जो सबसे वोकल और सबसे ज्यादा जिसके पास पॉलिटिकल ताकत है वो यादव वोट्स की है। उनके चीफ मिनिस्टर हैं, जैसे जो सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश की, मतलब जो दो तीन पार्टियां हैं उसमें बीजेपी और कांग्रेस के बाद सपा और बसपा है, तो सपा के तो यादव लोगों की पार्टी। उसी तरह से बिहार में देखिए तो आरजेडी के जो कर्ता धरता हैं वो यादव लोग हैं, तो यादव भी एक वो हैं। यादव की टोटल पॉपुलेशन, ये सब अंदाज है मोटे तौर पे, हिंदुस्तान में करीब 6.8% या 7% समझ लीजिए, मुसलमानों से आधी से भी कम पॉपुलेशन है। इनके जब 1952 में पहली लोकसभा बनी तो इनके 4 MP थे यादव के। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि वहीं तक के डिटेल हैं वो मैं आपको पेज लगा रहा हूं जो यादव महासभा या उन्होंने अपना बनाया हुआ है, द ग्रेट यादव। 2004 में जब मुसलमानों के 30 MPs थे तो यादव 34 MP थे। 2009 में जब मुसलमानों के 34 MP हुए तो यादवों के 19 MP हुए। कहना सिर्फ ये चाह रहे हैं कि अगर इसको 7 को भी अगर हम लोग फिर बात करें कि इन टर्म्स ऑफ नंबर कितने होने चाहिए, तो मोटे तौर पे भैया, मतलब ये सारा चीज़ें बहुत मोटे तौर पे मैं बोल रहा हूँ, करीब करीब 36-37 MP यादव के होने चाहिए इनके रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब माई की बात होती है तो उस माई में मुसलमान हरदम देता है, और वो जो मुस्लिम और यादव का जो गठबंधन होता है उसमें शायद अगर वोट की दृष्टि से देखें तो यादवों का ज्यादा हो जाता है। अब जरा बात कर लें कि ओवैसी जी के इस उससे सारे लोग क्यों परेशान हैं और क्यों वो एक नया उन्होंने किया है। जैसे मनोहर राणा का कहना है कि भाई वो तो हैदराबाद के रहने वाले हैं, वो गंगा जमनी तहजीब को क्या जाने, वो नॉर्थ के मुसलमानों की समस्याओं को क्या जाने, तो वो कैसे कह रहे हैं कि वो यहां आएंगे और ये केवल भाजपा का फायदा करने आ रहे हैं। ये तय बात है कि जब ओवैसी लड़ते हैं तो चूंकि वो जिसको हिंदुस्तान में सो कॉल्ड सेकुलर वोट बोला जाता है वो सेकुलर पार्टीज का नुकसान होता है, तो बीजेपी का इंडायरेक्टली फायदा होता है, इसलिए उनको बीजेपी की बी टीम बोला जाता है। और ऐसा भी आक्षेप लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है कि उनका ये मामला चलता रहे। अब इसकी समस्या समझ लीजिए कहां पर आ रही, क्योंकि ये समस्या तो को एड्रेस करना ही पड़ेगा। आज देश में इस समय 90% MPs, मैं सिर्फ इलेक्शन को लेके सारी बातें कर रहा हूं, MPs हिंदू हैं। आज देश में जो सेंट्रल कैबिनेट है उसमें एक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी मुस्लिम है। आज देश के जो भी बड़े पद हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जो भी बड़े पद हैं उस पर कोई मुसलमान नहीं है। और ये एक तरह से मेजोरिटिज्म कह लीजिए, अच्छा है बुरा है वो एक अलग इशू है, लेकिन पॉलिटिकल उससे अगर भाई आपको इस तरह का एटीट्यूड हो गया ना, एक जनरल एटीट्यूड यह है कि भाई कुछ भी हो जाओ बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, फिर एक ये हुआ कि जो बीजेपी को हराएगा हम उसको वोट करेंगे, मुसलमानों के बारे में ये एक जनरल धारणा है। तो अगर ये धारणा है तो मैं भी पॉलिटिक्स में हूं, अगर आप मतलब बीजेपी का फिर उसको कहीं ना कहीं से एक सैंक्शन मिलता है ना, कि अगर एक पक्ष ये कह रहा है कि मैं कुछ हो जाए जो इनको हराएगा उनको वोट देंगे, तो फिर मैं आपके बारे में क्यों सोचूं। अगर मैं 403 सीट उत्तर प्रदेश में MLA की है, मैं एक भी टिकट आपको नहीं देता हूं, तो मेरे लिए आप नहीं है। मैं तो अपनी जो भी स्ट्रैटेजी बनाऊंगा वो आपको किनारे करके बनाऊंगा। अब इसमें क्या हो रहा है कि एक अजीब सी चीज आ गई है। अब कांग्रेस भी, जैसे ये बिल्कुल तय बात है कि आक्षेप लग रहे हैं कि ओवैसी जी ने कांग्रेस के साथ क्यों नहीं, मतलब महागठबंधन के साथ क्यों नहीं गई, या महाराष्ट्र में उनके साथ क्यों नहीं गई थी, और दोनों तरह से आक्षेप है। आक्षेप ये भी है कि भाई ओवैसी साहब को जाना चाहिए था, आक्षेप यह भी है कि कांग्रेस को जाना चाहिए था। मैं आपकी जानकारी के लिए दो तीन चीजें बता दूं। ओवैसी साहब का जहां तक मेरी जानकारी है वो कहते हैं, लेकिन वो कभी कोई कॉन्क्रीट प्रॉपर प्रपोजल कहीं पे भी नहीं जाता है कि मैं आपके साथ इसको महागठबंधन में या किसी भी ऑपोजिशन के फ्रंट में रहना चाहता हूं। उसी तरह से कांग्रेस जो है वो ओवैसी साहब के साथ कुछ भी बनाने से इसलिए झिझकती है, वो IOML के साथ तो केरल में रहती, यहां पे झिझकती इसलिए, नॉर्थ इंडिया में अभी भी कांग्रेस अपने को
एक सॉफ्ट हिंदुत्व एक टर्न आया, वो थोड़ा हिंदुओं को नाराज नहीं करना चाहती है। आप कुछ कर लीजिए, हिंदुओं की पार्टी अभी जैसा है, हिंदुओं की अगर आप हिंदू के नाम पे अगर वोट मांगेंगे तो वो तो बीजेपी ही रहेगी, वो कांग्रेस नहीं बन पाएगी। अब कांग्रेस को या किसी भी पार्टीज को, चाहे वो सपा हो चाहे बस जो भी पार्टीज इस तरह की बात करती हैं, अच्छा सेकुलर का मतलब क्या है कि सेकुलर मतलब यह है कि मुसलमान मुझे वोट दें। तो अगर आपको इससे बाहर निकलना है तो आपको ये कहना होगा, आपको सार्वजनिक रूप से जो भी इस तरह के वोट की बात करते हैं उनसे आपको गठबंधन बनाना होगा। आप क्यों उससे बच रहे हैं? मैं आपकी जानकारी के लिए एक छोटा सा वो दे दूं, जैसे कांग्रेस को सॉफ्ट हिंदुत्व बोला जाता है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण इसमें दे दूं कि ये सार्वजनिक रूप से क्यों इन लोग डरते हैं, मुझे समझ नहीं आता है। जो 2014 में कैंडिडेट्स हुए थे इन सारी पार्टियों में पूरे लोकसभा में, वो 10.3% मुस्लिम कैंडिडेट हुए थे किसी भी पार्टी ने जिनको दिए थे। 2019 में केवल 8% मुसलमानों को टिकट मिला था किसी भी पार्टी में, 10.3 से गिर के 8% हो गया था। लेकिन यहां पे मैं इसलिए आपको ये बताना चाह रहा था, कांग्रेस जो अपने को सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करना चाहती है, उसने 2014 में 32 मुसलमानों को टिकट दिया था और 2019 में उसने 35 मुसलमानों को टिकट दिया था। तो वो बैलेंस तो करना चाहती है कांग्रेस, लेकिन सार्वजनिक रूप से इसको कहने में घबराती है। अब दो मिनट में जल्दी से इसकी बात कर लें, क्योंकि ये जिस वजह से इसको किया, ओवैसी साहब अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं और उसमें उनको 5 सीटें मिली और वो कह रहे हैं कि वो यूपी भी आएंगे और बंगाल भी जाएंगे। मेरी याद में जो देश की आजादी के बाद जैसे लोग मुसलमानों में बड़े लीडर का नाम लेते हैं, जाकिर हुसैन साहब का नाम लेते हैं, फखरुद्दीन अली अहमद साहब का नाम लेते हैं, फिर अभी जो हमारे राष्ट्रपति थे अब्दुल जे कलाम का नाम लेते हैं, और एक हाल के दिनों में जो किसी तरह से नाम अगर आता है तो सलमान खुर्शीद साहब का आता है। लेकिन आप बिल्कुल ईमानदारी से बताइए, क्या इसमें से कोई भी ऐसा लीडर है जो मुसलमानों का वैसी नुमाइंदगी कर सके कि जहां पे वोट देना है या भाई आके अपील करें वोट दीजिए? हिंदुस्तान में क्या होता था कि वोट देने के लिए हम लोग बुला लाते थे वो अब्दुल्ला बुखारी को, जो रिलीजियस लीडर थे, जो बिल्कुल गैर बात वाजिब अजीब बात है, क्योंकि वो हम लोग एक तरफ ये माना जाता है ना भाई पॉलिटिक्स को से रिलीजन को अलग रखो, एक तरफ हम रिलीजियस लीडर को ला के कह रहे हैं कि तुम वोट की अपील करो। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा ट्रेंड है कि कम से कम मुस्लिम लीडरशिप डेवलप होने लगी है, और वैसे ही अगर कहीं आ रहे हैं तो खुलेआम ये कह रहे हैं और मुसलमानों को और वो सफल भी हो रहे हैं। हैदराबाद की छोटी सी जगह से शुरू हुआ उनका सफर महाराष्ट्र में पहुंच चुका है, बिहार में वो पहुंच चुके हैं, उत्तर प्रदेश और बंगाल में जाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि वो बीजेपी की बी टीम है। तो क्या बीजेपी को रोकने का सारा ठेका ओवैसी ने ले रखा है? जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं किसी भी स्टेट में, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? ओवैसी अगर अनरीजनेबल भी हैं, ओवैसी अगर मान लीजिए कुछ ज्यादा सीटें भी मांग रहे हैं, तो उनको अकोमोडेट करना क्या दूसरी सेकुलर पार्टीज की जिम्मेदारी नहीं है अगर वो कहते हैं? क्योंकि ये कह देना कि वो बी टीम है और केवल उनका फायदा है, दोनों को एक्सपोज करने की जरूरत है, दोनों को एक ईमानदारी की जरूरत है। और मेरे ख्याल में आने वाले समय में राणा साहब, मनोहर राणा साहब कुछ भी कहें, लेकिन अगर मुस्लिम लीडरशिप डेवलप हो रही है देश में तो मेरे लिए तो ये मेरे हिसाब से ये एक अच्छी बात है। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें, अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।